तो हम एक भगवद गीता का श्लोक पढ़ते हैं और फिर उसको आप सब भक्तों के लिए क्या प्रासंगिकता है, क्या रेलिवेंस है, उसके ऊपर फिर बात करेंगे। तो हो सकता है आपको बुरा लग जाए, पहले माफ़ी मांग लेता हूँ, बाद में पता नहीं क्या होगा, पहले माफ कर दो। ठीक है। तो भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। उसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने दिया और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति प्राप्त होगी। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन ना करके काम क्रोध लोभ वश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो उसे अधम जाना जाता है। प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनना, ये मतलब आप लोगों के लिए लिखी गई है, मेरे लिए आप लोगों के लिए। मनुष्य होने में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इसका पालन नहीं करता तो उसका अधः पतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों और नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततो गत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। कामकारता शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है किंतु फिर भी ऐसा करता है, इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी अमुक कार्य करना चाहिए फिर भी वह उसे नहीं करता, इसीलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को ना तो शुद्ध बना सकता है ना ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। हम लोग आमतौर पर ये जो श्लोक है हम लोग भोगियों के लिए बोलते हैं कि भोगियों के लिए श्लोक है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जिन्होंने शास्त्रों की विधि को उत्सृज्य उनको छोड़ दिया, उनका त्याग कर दिया, वर्तते काम कारता अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, न स सिद्धि मवाप्नोति उनको सफलता नहीं मिलेगी, न सुखम न सुख मिलेगा, न पराम गति न परम गति को प्राप्त होगा। तो ये भोगियों के लिए, ये भोगियों के लिए उनके लिए भी है, लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए भी ये श्लोक उतना ही प्रासंगिक है। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में आपने माला पकड़ ली, आप क्यों कुर्सी पे बैठे हो, आप नीचे नहीं बैठ सकते? नहीं, साथ वालों को बोल रहा हूँ, आप नीचे आके बैठो। आप कुर्सी पे तो वो बैठे जिसकी मजबूरी है, नहीं तो जमीन पे बैठो, वो सही है ना। हमेशा ज्ञान ऊपर से नीचे चलता है, ऐसे थोड़ा ना जाता है ज्ञान, ऐसे जाता है। तो ये जो श्लोक है ये भक्तों के लिए
जो 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, जिनकी दीक्षा हो चुकी है, जो प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो श्लोक है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम, ये उनके लिए भी उतना ही प्रासंगिक है जितना भोगियों के लिए। और शिल प्रभुपाद यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत रूप में जानता रहे, मान लिया आपने पढ़ लिया, मान लिया आपने किताब उठाई पढ़ ली, कौन सी बड़ी बात है, हाँ आपने किताब उठाई पढ़ ली, आपने पढ़ लिया सिद्धांत रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इसे अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना चाहता है। तो हमने पढ़ ली, हमने प्रीचिंग भी कर दी, प्रचार भी कर दिया, लेकिन अगर हमने इसको अपने जीवन में नहीं उतारा तो अधम है वो व्यक्ति। आप बोल सकते हो ऐसा कैसे हो सकता है कि शास्त्र को पढ़ लिया फिर भी अधम है? तो आप सबने जरासंध का नाम सुना है? जरासंध सारे शास्त्रों का ज्ञाता था, ब्राह्मणों का आदर करने वाला था, रोज ब्राह्मणों का सम्मान करता था और दान देता था। बल्कि जब भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम जब गए थे मगध ब्राह्मणों के वेश में, तो इसने उनकी वंदना की, जरासंध ने, और दूध देने वाली गायें इत्यादि बहुत कुछ दान में दिया। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए। तो जरासंध ने कहा मुझे पहले लग रहा था तुम ब्राह्मण नहीं हो, नहीं तो कौन ब्राह्मण मना करता है, और तुम्हारी डील डॉल से, तुम्हारे बाजुओं आजुओं से लग रहा है, हाथों से लग रहा है कि तुम क्षत्रिय हो, लेकिन तुमने चीटिंग किया, ब्राह्मण का रूप बना के आ गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, क्षत्रिय भी स्नातक का जो है वेशभूषा धारण कर सकता है, भगवान के पास हर चीज की काट है बेसिकली। आप कुछ भी कहो भगवान हर चीज की काट ले आएंगे। पता नहीं क्या अजीब सी बात है वैसे, नहीं तो जरासंध से, और यही जरासंध है। जरासंध की एक और खासियत थी, जब जब मगध में ये मिले ना, तो ये जो जरासंध है ये कंस का वो था ससुर, नहीं कंस का ससुर था, और जैसे ही सामने आए, और जरासंध एक नाम से बुलाता था भगवान कृष्ण को, बोलता था तुम अपने संबंधियों के, संबंधी के हत्यारे हो तुम, अपने परिजनों की हत्या करते हो तुम। तो हमारे आचार्य यहाँ पे प्रश्न उठाते हैं कि इतना अंधा था जरासंध, इतना अंधा था कि कंस कर रहा था वो काम, अपने परिजनों की हत्या कंस कर रहा था, वो उसको दिखानी नहीं, और छोटे अबोध असहाय बच्चों की हत्या कर रहा था, अपने बाप को जेल में डाल दिया। जरासंध को वो नहीं दिख रहा था, जरासंध वो नहीं देख रहा था, ये दिख गया कि कृष्ण ने कंस की हत्या कर दी, अपने मामा की हत्या कर दी कृष्ण ने, ये दिख गया उसको कंस को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय, आधी मुर्गी का न्याय है। आधी मुर्गी जो काम किया वो रख लो, जो काम की नहीं है उसको छोड़ दो, मुर्गी का जो पिछला भाग है काम का है, अंडा मिलता है वो पकड़ लो, जो अगला हिस्सा है जिसको दाना खिलाना पड़ेगा उसको छोड़ दो, अर्ध कुकुट न्याय। तो जरासंध, जरासंध भी यही कर रहा था। दुर्योधन, आप दुर्योधन की बात कर लो, दुर्योधन बहुत ही सुपर एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर था, उसके शासन में ऐसा नहीं था कि प्रजा बिलबिल आ रही थी, कोई बड़ा दुख तकलीफ हो रही थी, शोषण कर रहा था, ऐसा नहीं चल रहा था। अच्छा
ठीक ठाक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था बस। और दुर्योधन के साथ तो एक बड़ी खास बात थी जो जरासंध को भी उपलब्ध नहीं थी। तो क्या खास बात थी कि दुर्योधन को बलराम जी की कृपा प्राप्त थी, नहीं? बलराम जी ने दुर्योधन को ये मतलब IELTS 1 है 2 है क्या चल रहा है, मतलब मिक्स क्राउड है क्या है, तो इसमें मतलब सभी तरह के जीव आए हुए हैं आज। अच्छा, तो आप वेन्यू को ऐसा रखो कि एक्सक्लूसिव क्लास होनी चाहिए आपकी, है ना? मतलब अब पता नहीं, मुझे नहीं पता यार, मैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव क्लास की बात कर रहे हो, बाय इनविटेशन आप लोगों को बुला रहे हो, तो मतलब अब जो बात बोल रहे हैं वो ऊपर से निकल जाएगी तो कन्फ्यूजन और खड़ी हो जाए, यार ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलो जो हो गया सो हो गया, अब क्या करें। हाँ, इसको बोलते हैं कर्मणा देव नेत्रेना। सो वेल, दुर्योधन को तो बलराम जी की कृपा भी प्राप्त थी, बल्कि दुर्योधन को बलराम जी ने गदा युद्ध सिखाया और भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण से नाराज भी हो गए थे बलराम जी दुर्योधन के चलते। और जब युद्ध हो रहा था तो बलराम जी चले गए थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, और मैं नहीं इसमें पढ़ना चाहता, झेलो जो झेलना था। बलराम से उनको स्नेह भी था, दुर्योधन से बलराम जी को। उसके बावजूद दुर्योधन भगवान कृष्ण से ईर्ष्या कर रहा था, उसके बावजूद शास्त्रों को पढ़ भी लिया फिर भी ईर्ष्या कर रहा था। और ईर्ष्या दिख कैसे रही थी, ईर्ष्या के बारे में पता कैसे चला? जरासंध के अंदर ईर्ष्या है, दुर्योधन के अंदर ईर्ष्या, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकशिपु ने जो वेदों का ज्ञान दिया परिजनों को, उनको सांत्वना देने के लिए, आप पढ़ोगे आप बोलोगे भैया ये क्या चल रहा है, मतलब सुपर नॉलेज है, एकदम विशुद्ध ज्ञान, लेकिन कृष्ण से ईर्ष्या कर रहे हैं, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो पता कैसे चला कि इनमें ईर्ष्या है? उनके आचरण से, उनकी हरकतों से। तो आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात, आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? आप सारे तो 16 माला जप करने वाले, 4 नियमों का पालन करने वाले अच्छे भक्त हो, तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ आप विश्लेषण कर लेना, आप विश्लेषण कर लेना कि आप अच्छे हो कि नहीं। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल जो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, स्पेशली भक्तों का लक्ष्य क्या है? सततम कीर्तयन्तु माम, हमेशा मेरा भजन करो, नहीं? ये गोल है हमारा। यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, कि सतत कैसे कर सकते हैं, मतलब 24 घंटे कैसे कर लें। तो भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस दुविधा का इलाज दे दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला, देखो सततम कीर्तयन्तु का मतलब हर क्षण, प्रति क्षण नहीं है, प्रतिदिन है, प्रति क्षण नहीं है प्रतिदिन है, क्योंकि अगर प्रति क्षण होगा तो साधना अवस्था में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। उत्तम भक्त जो है वो तो कर ही लेगा हर क्षण, वो तो अगर रेस्ट भी करेगा तो भगवान का भजन करेगा वो, लेकिन जो कनिष्ठ भक्त है उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि भैया मतलब कीर्तन, सततम कीर्तन तो माम कैसे कर लूँगा। तो
इन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला कि सततम का मतलब है प्रतिदिन प्रतिक्षण, इसीलिए प्रभुपाद ने बोला कि प्रतिदिन आप नियमित रूप से कम 16 माला का जप करो। प्रभुपाद ने कभी ये नहीं बोला कि 16 माला का जप करो, उन्होंने बोला कम से कम 16 माला का जप करो। अब हम अपने पर अगर ये श्लोक को लेकर आते हैं तो हम सततम कीर्तयन्तो माम के हमें ये विश्लेषण, क्या हम में से किसी ने पिछले 10-15 दिन, 1 साल, 6 महीने में कभी किसी ने हमने बैठ के ये विश्लेषण किया है कि क्या हम सततम कीर्तयन्तो माम के आसपास कहीं फटक रहे हैं, नहीं फटक रहे हैं? किया हम में से किसी ने विश्लेषण कभी? हमने हम में से किसी ने सोचा है कि हम अपने दिन का कितना हिस्सा भगवान का स्मरण करने में और कितना हिस्सा भगवान का स्मरण कर किए बिना बिता देते हैं? क्या हमने कभी विश्लेषण किया है? भक्ति विनोद ठाकुर तो कह रहे हैं कि हर एकादशी पे विश्लेषण करना चाहिए, हर 15 दिन में एकादशी आएगी, एकादशी पे देखो पिछले एकादशी को कहाँ खड़े थे, अब कहाँ खड़े हो, पिछले एकादशी पे कहाँ खड़े थे, अब कहाँ खड़े हो। क्या हमने से किसी ने ऐसा विश्लेषण किया? हम लोग ऐसा विश्लेषण नहीं करते हैं। और ऐसा विश्लेषण करने के लिए किसी साधना चार्ट की आवश्यकता नहीं है, किसी साधना चार्ट के, साधना चार्ट तो कनिष्ठ भक्तों के लिए है। चलो भाई आप बनाओ, एक मोटिवेशन मिल जाती है। शुरू में डर लगता है कि हम साधना चार्ट में लिखेंगे कि हमने रात को 10 बजे जप किए थे 6 माला, तो हमारा जो मेंटर है या शिक्षा गुरु है या काउंसलर है वो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा हमारे बारे में, तो सुबह उठ के चलो जप कर लेते हैं। लेकिन जब आप एक बार भक्ति में आ गए, जब आप एक बार आपके मन में आपने दीक्षा ले ली, उसके बाद भी अगर आपको साधना चार्ट पर या भक्तों के डर की आपको ज़रूरत है करने के लिए, तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं दिक्कत है बहुत बड़ी। आखिर हम कब तक डर से प्रेरित होकर हम भक्ति करेंगे? हम भाव से प्रेरित होकर भक्ति करने की बात है ना। हमारे शास्त्रों में बोला है कि भक्ति से भक्ति मिलती है, भक्ति से भक्ति मिलती है, हमारे शास्त्रों में बोला है। जीवा गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रसामृत सिंधु में बोल रहे हैं कि भक्ति से भक्ति मिलती है का मतलब है साधन भक्ति से भाव भक्ति मिलती है, साधन भक्ति से भाव भक्ति मिलती है, इसका ये भक्ति से भक्ति मिलती है का ये अर्थ है। तो क्या हम लोगों को ये विश्लेषण करना चाहिए कि क्या हम लोग जो साधन भक्ति कर रहे हैं, क्या हम उससे भाव भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? सारी बात ये आंकलन करने की है, सारी बात ये विश्लेषण करने की है। अगर हमने ये विश्लेषण नहीं किया, अगर हमने मतलब देखो इतने घटिया भौतिक स्कूलों में भी बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं और हर 15 दिन में, हर महीने में इंटरनल एग्जाम होते हैं, उसका स्टेटस चेक होता है भक्तों को। मतलब क्या मौत पड़ गई है कि वो इसको आंकलन करने से घबरा रहे हैं, चोरी चकारी को उतर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? क्यों हम अपना आंकलन करने से घबराते हैं? अरे पता चल जाएगा कि हम अच्छे भक्त नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ये पता लगना भी तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे भक्त नहीं हैं जी, तो चलो अच्छे भक्त नहीं हो, आओ अच्छे भक्त बनते हैं। या अगर हम अच्छे भक्त हैं, क्यों अच्छे भक्त हैं, हमारे पास में आंकलन कर देंगे कम से कम, मतलब एक अंग्रेजी में कहते हैं टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, ये पता तो लगा लो कि आप कितने पानी में हो, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है नहीं? अगर आपने अपने लक्ष्य पर जाना है तो लक्ष्य के बारे में तो पता होना ही चाहिए कि हाँ वो लक्ष्य है हमारा, लक्ष्य के बारे में तो पता होना ही चाहिए।
लेकिन आपको पता है, जब लेक्चर चल रहा हो तो डेटिस की तरफ भी नहीं देख सकते, पता है आपको, क्योंकि भगवान का एक नाम है श्रुतेक्षित। भगवान आंखों से नहीं दिखते, भगवान कानों से दिखते हैं। इसलिए जो आप दर्शन बंद होने पर, दर्शन खुलने पर हो, जगन्नाथ जी की जय, सबसे घटिया डिवोटी होते हैं वो। अरे आपको भगवान, आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान कानों से दिखेंगे भाई, आंखों से नहीं दिखेंगे। दिखने होते तो दिख चुके होते अभी तक, अगर दिखने होते तो दिख चुके होते। क्या दिखा रहे हो भगवान, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो भगवान को? भगवान भगवान तो आपके हृदय में है, भगवान को पता है आप कैसे हो, आपको नहीं पता, भगवान को पता है। श्रुतेक्षित भगवान का एक नाम है, श्रुत इक्षित देख सकते हो, श्रुत सुनकर। तो अगर आपका लक्ष्य है, लक्ष्य पता चल गया आपको कि हमें तो भगवत धाम जाना है, चलो बहुत अच्छी बात है, लक्ष्य पता चल गया। अब ये भी तो पता लगाओ कि खड़े कहाँ हो। पहली बात है ये पता लगा लो कहाँ खड़े हो, और दूसरी बात है कि ये देखो कि पिछले 15 दिन में कितना चले और किस दिशा में चले, पिछले 15 दिन में चले और किस दिशा में चले, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है ये बातें। ये प्लीज इसको, ये अगर अगर हम ये नहीं कर रहे, अगर हम ये नहीं कर रहे तो भगवत गीता पढ़ रहे हो मान लिया, फिर भी यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य के अंदर आप वर्गीकृत हो जाते हो, कंपार्टमेंटलाइज हो जाते हो। आप ही वो लोग हो जिनके बारे में भगवान कह रहे हैं यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, कहना ही नहीं मान रहे। वो की तो चलो उन्होंने तो पढ़ा भी नहीं, उन्होंने तो पढ़ा भी नहीं। आप इतने दुर्भाग्यशाली हो जो डिवोटीज हैं पढ़ के नहीं कर रहे। उनके लिए क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बहुत सारी डिजायर्स हैं हमारी, हमने बाहर काम करना छोड़ दिया, हमने भौतिक जीवन में अपनी एक्टिविटी घटा दी, लेकिन हम जो हमारी चेतना है, जो वो भौतिक चश्मा था, उसको हम वहाँ पे फेंक के नहीं आए, उसको फेंक के नहीं आए, लगा के घुस गए, यहाँ पर लगा के घुस गए। नेम फेम पावर प्रेस्टीज हर चीज़ हम चाहते हैं कि वहाँ तो हमने हासिल नहीं की, या हासिल की थी तो छोड़ दी थी, यहाँ नहीं छोड़ेंगे उसको। वो चीज़ उठाकर जो नेम फेम पावर प्रेस्टीज वहाँ छोड़ के आए थे, यहाँ पे आके हम पकड़ लेते हैं और इतनी दृढ़ता से इसको पकड़ लेते हैं कि दूसरे भी अगर आपकी मदद करें तो भी नहीं छोड़ते, अपने आप तो क्या छोड़नी है। और अगर कोई कहे कि छोड़ दो तो बोलते हैं तू दुश्मन है मेरा, तूने कैसे कह दिया, तू तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हम ऐसी बातें उस समय सोचना शुरू कर देते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य क्यों ऐसा है, प्रभुपाद बोल रहे हैं क्योंकि हमारे मन में काम वासना है, लस्ट है, इसीलिए हम पढ़ने के बाद भी, भोगी तो नहीं पढ़ा इसलिए नहीं कर रहा, हम पढ़ लिया लेकिन काम वासना इतनी प्रबल है कि हम पढ़ के भी नहीं कर पा रहे। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं काम संकल्प वर्जिता। अरे पहले काम वासना को त्यागो भाई, ये सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, पहले इस काम वासना को त्याग दो। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण, और ज्ञान की अग्नि से कि ये हमने ये भगवत गीता को, भागवतम चैतन्य चरितामृत का संदेश को हमने अपने जीवन में उतारना है, ये ज्ञान अग्नि है, हमने अपने जीवन में उतारना है इसको, ये ज्ञान अग्नि है। सिर्फ पढ़ के किताबी ज्ञान लेना नहीं है, अपने जीवन में उतारना है ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण, के इस जो
ये जो ज्ञान है और काम संकल्प वर्जिता कि किसी भी काम वासना से, किसी भी स्वार्थ से प्रेरित होकर हम नहीं करेंगे, ये बात जब हम अपने मन में ले आएंगे, ये बात जब अपने मन में ले आएंगे तो माना जाएगा पंडिता बुद्धा, तो माना जाएगा कि हाँ यार ये इंटेलिजेंट आदमी है, इसने बात को समझ लिया। अगर नहीं समझाए, अगर नहीं समझाए समूढ़ चेता वो बेवकूफ है। और प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं अधम है, अधम। चाहे आप 16 माला कर रहे हो फिर भी अगर हम इस तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं तो अधम हो, ये बात हमेशा याद रखना। हम लोग ये मैंने देखा है कि जब इस कौन में 15-20 साल हो जाते हैं तो हमें सब पता है, हमारे लिए नहीं है किसी और के लिए बोल रहे हैं, अरे भाई तेरे लिए ही बोल रहे हैं। सबसे पहली बात यही है ये समझना कि जो भी बोला जा रहा है मेरे लिए बोला जा रहा है, जो भी लिखा गया है भगवत गीता में, जो भगवान ने बोला, जो प्रभुपाद ने टीका दी, भागवतम में जो क्वेश्चन आंसर हुए, जो प्रभुपाद ने टीका दी, चैतन्यचरितमृत में जो चल रहा है, जो उस पर टीकाएं हैं, सब मेरे लिए लिखी गई हैं, तभी तो जीवन में उतारेंगे। किसी और के लिए लिखी है करके जीवन में कैसे उतार लेंगे उसको। इसी को बोलते हैं शास्त्र विधि उत्सृज्या, उसको हम अपने जीवन में उतारने रहे हैं। पढ़ लिया पता चल गया लेकिन अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, या अगर उतार भी रहे हैं अब दूसरे लेवल पे आ जाते हैं। चलो हम बोलते हैं कि उतार रहे हैं जी हम अपने जीवन में, अगर उतार रहे हैं तो लूले लंगड़ों की तरह उतार रहे हैं, आधा पका हुआ आधा कच्चा, लूले लंगड़ों की तरह। और प्रभुपाद एक जगह बोल रहे हैं हॉचपॉच डिवोटीज, प्रभुपाद बोल रहे हैं हॉचपॉच डिवोटी हैं, हॉचपॉच डिवोटीज का संग लेते हैं हॉचपॉच बन जाते हैं। लूले लंगड़े डिवोटी हमें, लूले लंगड़े डिवोटियों का संग ले लिया, लूले लंगड़े बन गए। क्यों हम लूले लंगड़े डिवोटी हैं? चलो समझ में आ गया, लूले लंगड़े डिवोटी का संग क्यों लेते हैं? अच्छा लगता है, तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाता हूं, ना तुम्हें बुरा लगे ना मुझे बुरा लगे, दोनों मजे से चलेंगे। अरे जब तक कोई आपके कान नहीं खींचेगा, जब तक कोई आपको अनकंफर्टेबल नहीं करेगा, जब तक कोई आपकी कमी नहीं बताएगा, या तो आप बोल दो जी हम तो 16 कला संपूर्ण है, या तो ये बोल दो कि 16 कला संपूर्ण है जी, हमें तो सब पता है, हम तो परफेक्ट आचरण कर रहे हैं। अगर परफेक्ट आचरण नहीं कर रहे तो क्या आपको अपनी कमी पता है? हमें अपनी कमी नहीं पता, जो बता सकता है उसके पास नहीं भटकना, जो बता सकता है, ऐसा नहीं है। इस कौन में अगर हॉचपॉच डिवोटीज भी हैं तो इस कौन में अच्छे भक्त भी हैं, लेकिन उनके पास कोई जाएगा नहीं डरते हुए, उनके पास कोई डरते हुए जाएगा नहीं। एक बार पंजाबी बाग में एक भक्त ने मुझे बता रहे थे, एक भक्त ने बोला पंजाबी बाग में किसी डिवोटी को कि जी ये आप फलाने भक्त का लेक्चर करवाओ यहाँ पर, क्यों नहीं करवा रहे? उन्होंने कहा नहीं उसका नहीं करवाएंगे, वो तो बहुत स्ट्रांग बोलता है। अबे तो स्ट्रांग बोलता है तो स्ट्रांग बोल के क्या बंदूक दिखा के पैसे लूट लेता है? अगर स्ट्रांग बोलता है तो भाई तुम्हारे लिए बोल रहा है ना, कोई अपने घर में किसी का किडनैप करके लेके जा रहा है स्ट्रांग बोल के, क्या कर रहा है स्ट्रांग बोल के? नहीं उसके पास में जाना बहुत स्ट्रांग बोलता है, कितनी घटिया मेंटेलिटी लेके चल रहे हैं। और ऐसे लोगों का संग लेके हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ देखो ये भक्त को मेरे से कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। अरे वो तेरे को बताने की ताकत नहीं रखता कि तेरे में क्या तकलीफें हैं, तू सुई नहीं है, तू छलनी है, लेकिन तू सुनने के तैयार नहीं है। जो तेरे को बता सकता है कि तू छलनी है उसके पास तू जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा, तो कैसे भक्ति में आगे बढ़ेगा ये समझा दे भाई।
कैसे भक्ति में आगे बढ़ेगा, वहीं पे पड़ा रहेगा। आपको उदाहरण दे देता हूँ, हो सकता है चुभ भी जाए उदाहरण, अगर अभी तक नहीं चुभा तो ये शायद चुभ भी जाए आपको। श्राद्ध चल रहे हैं आजकल, जो भोगी हैं चलो तो श्राद्ध कर रहे हैं, करते रहो, जो नए डिवोटीज हैं वो भी श्राद्ध करते हैं, चलो करते रहो, जो तो दीक्षित भक्त हैं वो भी श्राद्ध करने में लगे होंगे। आप बोलो, आप कह सकते हो श्राद्ध करने में क्या प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब्लम है भाई श्राद्ध करने के अंदर। आप क्यों श्राद्ध कर रहे हो मुझे एक लॉजिक समझा दो कि आप श्राद्ध कर रहे हो, क्यों क्यों श्राद्ध करना है, कोई लॉजिक नहीं है। हमारे पितरों को फायदा होगा, अरे जब चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृतोय, कृष्ण भक्ति करोगे हरि नाम लोगे सारे काम पूरे हो जाएंगे, क्यों विश्वास नहीं आ रहा आपको इस पे, क्यों आपको श्राद्ध की जरूरत महसूस होती है, ये बात को समझा दो। कोई इस बारे में बात नहीं करता, क्यों इस बारे में कोई इसलिए बात नहीं करता कि किसी को बुरा ना लग जाए, पॉलिटिकली करेक्ट चलना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाए कि लोगों को बुरा लग जाए, आपके लेक्चर होने बंद हो जाए। हम तो वो बात बोलेंगे जो सबको सुनने में मधुर लगे। अरे खांसी की दवाई होती है मीठी गोली, कैंसर की इलाज में मीठी गोली काम नहीं करती। अगर कैंसर है किसी को, उसको कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी, कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी भाई उसको। आप अपनी बीमारी को कम करके आंक रहे हो। एक बार मैं एक वो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं ना खड़े होके बोलते हैं, तो एक मैं स्टैंड अप कॉमेडियन का देख रहा था कई साल पहले, उसने कहा हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना आई साइट चेक कराने के लिए, तो डॉक्टर आपको आपके सामने एक वो बोर्ड होता है उस पे ए बी सी डी ए एस टी एफ ऐसे करके कुछ अक्षर लिखे होते हैं, बड़ा फ़ॉन्ट छोटा फ़ॉन्ट छोटा फ़ॉन्ट छोटा फ़ॉन्ट, तो डॉक्टर बोलता है पढ़ो, तो हम सबसे ऊपर वाली लाइन तो फटाक से पढ़ देते हैं, फिर नीचे वाली लाइन में थोड़ी टेंशन आती है, तो फिर जब और थोड़े नीचे आते हैं तो हम ऐसे मिचमिचा के करके बहुत करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। अरे भाई क्यों मिचमिचा रहे हैं आँखें, अगर तुझे लगता है चश्मे की जरूरत नहीं है तो आया क्यों है यहाँ पर, या पूरी जिंदगी मिचमिचाता रहेगा आंखें, सीधा देखता रहा और बोल भैया मुझे ये अक्षर नहीं समझ में आ रहे, मेरे को नंबर आप, अगर मेरा नंबर बड़ा हुआ है मेरे बड़े हुए नंबर का चश्मा लगा दो, क्यों आंखें मिचमिचा रहे हो। आंखें मिचमिचाना पॉइंट नहीं है, अपनी बीमारी को कम करके दिखाना कोई पॉइंट नहीं है। अब मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, आप इस कौन में आ गए, प्रभुपाद की शरण में आ गए, अभी मैं आंखें मिचमिचा रहे हैं कि लोगों को मेरी कमियों के बारे में पता ना चले। अरे नहीं, अगर आप अपनी कमियों के बारे में पता लगाना चाहते घर बैठो अपने, क्यों यहाँ पे आए हो, यहाँ पे आए हो तो भाई अपनी कमी बताना, कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा, अपनी कमी बताना कि मेरे में कृपणता का दोष है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे समझ नहीं आ रहा धर्म क्या है, सम्मूढ़ चेता मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका हूं। अपने रोग को डॉक्टर के पास गए और अपने रोग को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों अपने रोग को कम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है फिर भी करते हैं, कोई लॉजिक नहीं है फिर भी हम अपने रोग को कम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ढिंडोरा नहीं पीटेंगे, छुपके कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो कम से कम जो दीक्षित भक्त हैं अगर श्राद्ध कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है। ये हो सकता है कि मान लिया आप दीक्षित भक्त हो,
लेकिन घर में आपके ऊपर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो आपको फोर्स कर रहे हैं, चलो ठीक है एक बार समझ लूँगा बात को, एक बार समझ लूँगा, चलो आपके सिर पे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो आप आपको फोर्स कर दिया। अरे जब आप या बड़े बन गए फिर भी आप शरारत किए जा रहे हो, तो मतलब क्या पॉइंट है? पर दोष है कि हमें लग रहा है कि हरि नाम से ये काम नहीं होगा, ये श्राद्ध कर लो, हरि नाम से हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं होगा, श्राद्ध से हो जाएगा। अगर हम दीक्षा लेने के बाद अपने घर में हम लोग हमारा वर्चस्व भी स्थापित है उसके बाद भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, हम लोग शास्त्रों को पढ़ रहे हैं लेकिन अपने जीवन में हम लोग उतार नहीं रहे उसको, हम अपने जीवन में लेके नहीं आ रहे। अगर अगर हम चाहे भक्त हैं, मैं अभक्तों के बारे में बात नहीं कर रहा, वो होपलेस हैं, जो भक्त हैं उनके बारे में बात करके टाइम क्यों वेस्ट करें, हम तो भक्तों की बात करेंगे ना। जो भक्त हैं और जो शास्त्रों के निष्कर्ष को अपने जीवन में नहीं उतारे, अपनी कमजोरियों को छुपा रहे हैं, जो लुंज पुंज लूले लंगड़े भक्तों का संग करके अपने को समझ रहे हैं कि हम तो बड़े कमाल की भक्ति कर रहे हैं, जो अपना आंकलन नहीं कर रहे कि हम भक्ति में कहाँ खड़े हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई होप नहीं है, उनके लिए कोई होप नहीं है। और उन्हीं के लिए बोला गया है, बहु योनि यदि करे श्रवण कीर्तन तो भी तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों जन्म करते रहना हरि नाम, करोड़ों जन्म करते रहना तो भी तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। भगवान कृष्ण के चरणों में उनके चरणों का अनुराग कभी प्राप्त नहीं होगा, अगर प्राप्त नहीं हुआ तो समझ लो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान मत करो, वो नुकसान मत करो, आंखें मिच मिचाना बंद कर दो, अपनी कमियों को ढूंढो, अच्छे भक्तों को ढूंढो और उनसे उनका संग लेकर अपने जीवन को आगे भक्ति में मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करो। ये जान लो, ये जान लो, तस्मात शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो 16:24। ये जान लो शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा क्या करना है क्या नहीं करना और जो करना है वो कैसे करना है, ये जान लो। इसके लिए आपको अच्छे भक्तों का संग महत्वपूर्ण है। पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे लगकर अगर आपने इस सुनहरी अवसर को प्रभुपाद की शरण लेकर भी अगर इस सुनहरी अवसर को छोड़ दिया तो मुझे नहीं लगता हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई व्यक्ति इस संसार में कभी पैदा हुआ था और ना कभी आगे होने वाला है। हरे कृष्णा। यहीं पे इसको विराम देता हूँ।